हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं प्रस्पेक्टिव का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि प्रस्पेक्टिव वर्ड का हमें सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि प्रस्पेक्टिव वर्ड के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रस्पेक्टिव की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। PER per, SPEC spec, TIVE tip, perspective. Perspective को हम perspectives भी कहते हैं। Perspective का मतलब होता है a way of thinking about something, specially one which is influenced by the type of person you are or by your experiences. किसी चीज के बारे में आपका सोचने का तरीका या आपका नजरिया जो आपके व्यक्तित्व यानी आप किस तरह के इंसान हैं उस पर और आपके जो अनुभव या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे प्रभावित होकर आपका किसी चीज की तरफ जब नजरिया बन जाता है या आपका किसी चीज की तरफ कोई दृष्टिकोण बन जाता है तब उसको हम प्रस्पेक्टिव कहते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं विद द वर्ड प्रस्पेक्टिव। हिज फादर्स डेथ गेव हिम अ होल न्यू प्रस्पेक्टिव ऑन लाइफ। His father's death gave him a whole new perspective on life. उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। Try to see the issue from a different perspective. Try to see the issue from a different perspective. इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। The novel is written from a child's perspective. The novel is written from a child's perspective. उपन्यास एक बच्चे के दृष्टिकोण से लिखा गया है। He sees things from the right perspective. He sees things from the right perspective. वह चीजों को सही नजरिए से देखता है। तो सिंपल शब्दों में perspective का मतलब होता है दृश्य, दृष्टिकोण, स्वरूप, यथार्थ, नजरिया आपका। तो आइए हम प्रस्पेक्टिव के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, नजरिया, स्टैंड पॉइंट, सिद्धांत, ओपिनियन, विचार। वही प्रस्पेक्टिव के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं होपलेस, निराशाजनक, इफेक्टलेस, जिसका कोई फायदा ना हो, अनप्रोमिसिंग, मंदबुद्धि, फॉग, भ्रम पैदा होना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप प्रस्पेक्टिव शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।